राजधानी के दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय में परी जोशी के कहानी संग्रह एक सागर एक झील का विमोचन किया गया। परी जोशी के इस पहले कहानी संग्रह के विमोचन अवसर की साहित्यिक संध्या बोल संस्था द्वारा आयोजित की गई। कहानी संग्रह को लेकर परी जोशी का कहना था कि उनकी कहानियों की दुनिया उनकी वास्तविक दुनिया से परे नहीं है, पति मोहित, बच्चे हीर और दक्ष ही उनकी दुनिया है। अपने कहानी संग्रह एक सागर एक झील का ताना बाना भी उन्होंने अपनी दुनिया के आसपास ही बुना है। इस कहानी संग्रह में 11 कहानियां जो अपने आप में पूरी नहीं है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी भी कहानी को कहीं भी ऐसे जहाँ उसका अंत हुआ वहाँ से आप उसका अंत या उसकी शुरुआत वापस अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं और आप अपने किरदार को अपने आप को किसी भी कहानी में किसी न किसी चरित्र में जरूर बना सकते हैं। विमोचन समारोह की अध्यक्षता मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दबे ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में कवि विचारक और प्रशासनिक अधिकारी राजेश गुप्ता और विशिष्ट अतिथि के रूप में साहित्यकार व कलाधर्मी प्रमोद जोशी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कहानी संग्रह के विमोचन के लिए बाल दिवस का दिन चुना गया। परी जोशी के इस कहानी संग्रह के स्केच परी जोशी के पति मोहित जोशी ने बनाए। वहीं कार्यक्रम का संचालन परी जोशी की बेटी हीर ने किया। परी की सभी कहानियों की नायिका मीरा है, जो कभी छोटी सी बालिका तो कभी बेटी, कभी माँ, कभी बहू तो कभी पत्नी के रूप में सामने आती है। परी जोशी की कहानियों की भाषा हिंदी और उर्दू की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। उनकी संवाद योजना का स्वाभाविक प्रवाह है। कहानियों के स्थल कहानियों के पात्र की तरह अपने से लगते हैं। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।